अच्छा, रैम कितनी करवा ली है? जबरदस्त तो हो गया। कब करवाई आपने? सैटरडे वाले दिन करवाई थी? तो जब से आप यूज कर रहे हैं उसके बाद कोई फील आपको हुआ कि कंफर्टेबल है आप? बस ठीक हो गया। ओरल वो मैंने आपको बताया था, वो दोबारा से इंस्टॉल कर लें। रेक्सिटी से वही शॉप से करवाया है आपने जहाँ से मैंने कहा था? और करवाया उन्होंने वो ये X80 करवाया है? वो वही वाला सीन हो रहा है आपका, ट्रायल होता है ना, नेट बंद करके जब इंस्टॉल करते हैं ना, तो फिर वो ना नेट से वाला शो नहीं करता, फिर वो आपका क्रैक वर्जन में आप कर रहे होते हैं वो इजीली हो जाता है। इसे ना नेट ऑफ करके ऑन करते हैं, नेट ऑफ करके इंस्टॉल करते हैं ना, ऑन भी वैसे ही करते हैं। तो जब आप ऑन कर लेते हैं उसके बाद अगर नेट चला दें, हाँ तो आप ऐसा ट्राई कर ले, मीन्स अब आपका चालू हो गया ना, आप नेट अपना बंद करके स्किप करना, क्या करना, आप ईमेल बनी आपकी, ईमेल दे दें अपने पासवर्ड लगा दें। आप ना मेरी बात, जो आपके पास लिंक दिया हुआ मैंने सॉफ्टवेयर का, जिसमें वो उन्होंने सारा इंस्टॉलेशन का पूरा नोट बताया हुआ आपके पास है, आपने अपने प्रोग्राम में जाना है, इसको राइट क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देना, फिनिश कर देना अपने सिस्टम में से, खत्म कर देना। जब आपने अनइंस्टॉल इस एप्लीकेशन को कर देना, उसके बाद आपने वो सॉफ्टवेयर पे जाके अपना नेट आपने बिल्कुल बंद कर देना, ये माइंड में रखिएगा। नेट बंद करके फिर आपने अपने सॉफ्टवेयर को ओपन करके जिस तरह वो तरीकाकार सारा बताया हुआ आपने इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल कर लिया, नहीं ओपन करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपली वो एक फोल्डर है उसके अंदर दो कीज पड़ी हुई है, उनको कॉपी करना है आपने, और उनकी सी ड्राइव में जो एग्जैक्ट लोकेशन है वहां पे आपने जाके वो कीज पेस्ट कर देनी है। वो जो सॉफ्टवेयर में आपको सारा मेथड लिखा हुआ है, ये खोले यहाँ पे जाके ये पेस्ट कर दे, नेट नहीं आपने ऑन करना। जब आप पेस्ट कर देंगे उसके बाद आपने वो सॉफ्टवेयर अपना एप्लीकेशन जो वो ओपन कर ली, उसके बाद बेशक नेट चलाए जो मर्जी करें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रायल वाले भी हो नेट वाले भी हो कोई मसला नहीं होगा। अब सबसे पहला जो काम ना आपने इसे अनइंस्टॉल करना है, प्रोग्राम में जाके ना इसके जो सॉफ्टवेयर भी आपके हैं उनको आपने अनइंस्टॉल कर देना है। बिलाल अहमद वो मेरे ख्याल से कल परसों भी नहीं आया और आज फिर नहीं आया। वो एक नुमान शायद लड़का है, मोटा सा नुमान है मेरी शायद। अच्छा, आपको मैंने वो मैगजीन पाउंड पीछे करना और सैम्पलिंग करना बताई थी, तो टास्क उसके बाद कोई भी नहीं दिया था। बाकी आप में से बनाया मैंने, हाँ सर मैंने आपको बताया हुआ था, ब्रांड्स बताए हुए थे, वो ब्रांड बताए थे, ब्रांड पे आपने डिजाइन बना के लेके आने थे, और कल का भी आपको टाइम मिल गया था। बिलाल अहमद आप हैं? अच्छा, गर्ल्स में से रीबा आपको केक की रेजोल्यूशन नहीं थी, सीखा आप वही बार बार मैं कह रहा था। अब देखिए एक फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक अगर लगा हुआ है ना केक, इसकी दूर से पता लग रहा है कि रेजोल्यूशन ठीक है, पिक्सल फटे नहीं हुए हुए। बाकी जनाब साहब आपने भी यही 20% ऑफ को ऐसे दबा दिया हुआ है और परसेंटेज को दबाया नहीं, वो बेशक ऊपर ही है, 20% को आपने किस तरह इसको कर दिया हुआ है, सबसे पहली गलती तो आपकी ये है। और फाउंड तो इसमें कोई सही लगाने थे। एक मैं चीज आपको बता दूं कि ये जो हमेशा एड्रेस होता है सोशल मीडिया एड्रेस होता है वो भी, और जो आपका लोकेशन होती है वो भी, और आपकी वेबसाइट होती है वो भी, बेशक ये व्हाट्सएप ट्विटर या फेसबुक के आइकन है, ये हमेशा नीचे पट्टी में आते होते हैं, कहीं पे भी आप देख लें, देखना क्यों ये असूल है, ये हमेशा नीचे पट्टी में ऐड करते हैं, नीचे लगा बॉक्स बना के लाइन बना के, ये भी तो आप एड्रेस लिखा है ना, तो आना था उसके साथ ये ऐड कर देने थे। अब ये आपने फेसबुक ट्विटर व्हाट्सएप तो लगा दिया, व्हाट्सएप का नंबर किधर है? व्हाट्सएप का सिर्फ लोगो लगा दिया, कस्टमर लगा देंगे है तो आप लगा भी ना व्हाट्सएप का लोगो, इधर ही ना लगाओ। अगर आपने लगाना है व्हाट्सएप का नंबर तो आप सिंपली 03 1 2 3 4 5 इस तरह करके नंबर ऐड कर दो।
खैर उसके बाद आपने ये एक पीछे ब्रश मेरे ख्याल से यूज किया होगा फ्री होम डिलीवरी वाला। मैंने आपको हजार दफा कहा हुआ है कि लाइट कलर के ऊपर लाइट कलर नहीं लगाते होते, हमेशा डार्क के ऊपर लाइट और लाइट के ऊपर डार्क कलर लगाते होते हैं। अभी आप पीछे देख लो ग्रे कलर कितना लाइट कलर है, इसके ऊपर आपने व्हाइट लिखा हुआ है व्हाइट, और ये मतलब जो आपका ब्रांड का लोगो है, जो इसका ब्रांड का नेम है, इसको ही आपने पीछे वाले कलर के बिल्कुल एक्यूरेट कर दिया कि वो दूर से बिल्कुल पढ़ा ना जाए। आपके ब्रांड ने कहना ये भाई क्या कर दिया, हमारा तो पहचान ही इस लोगो की हो रही हमारी। ये चीजें मैनेज करो, इस चीज को आप सीखो कि सबसे पहले आपके ब्रांड का जो लोगो है वो प्रोमिनेंट हो रहा पीछे जो कलर लगा हुआ है, अगर नहीं वो प्रोमिनेंट हो रहा तो कोई कुछ शेप लगा लो पीछे, कुछ तरह की शेप लगा लो, उसमें आपका प्रोमिनेंट लोगो लाजमी हो ताकि आपका ब्रांड मुतमिन रहे कि हमारा नाम नजर आ रहा है। उसके बाद एक ये बना हुआ, ये किसने बनाया था, आपने बनाया था सर, आप बहुत हद तक आपने ये बेहतर बनाया हुआ है अगर आपने बनाया है तो। ये यखनी दे दिया आपने, इसको भी खींच के थोड़ा सा लंबा कर दिया है, ये चीजें बिल्कुल भी ना करें। अगर ये सूप है ना आपका, तो इसको थोड़ा सा कम छोटा करके ना बॉक्सेस में नजर आए, जिस तरह ये आपकी चाय नहीं नजर आ रही, अगर ये नजर आ रही है इतना, इसको भी इस तरह मैनेज करें। और ये प्लेट्स कोशिश करें बिरयानी पीएनजी प्लेट्स अगर आप लिखते हैं ना, तो प्लेट्स निकल आनी थी आपने इजीली, उसको साइड से प्लेट ही सिंपली लगानी थी, तो शेप में आपने बेशक लगा दिया लेकिन शेप में इस तरह ये चीज सही नहीं लगती होती। और ये जंगल फैसलाबाद को आप आगे ले आते, एड्रेस आप छोटा करते थोड़ा तो ज्यादा अच्छा लगना था, डिजाइन की बैकग्राउंड को भी थोड़ा अट्रैक्टिव किया करें ताकि वो प्रोमिनेंट हो सके। लेकिन जिस हद तक आपने ये बनाया ना, आपने बिल्कुल बेहतरीन बनाया अगर आपने बनाया तो। बाकी लेयर्स का आपको पता लगा, शेप कैसे बनानी है, पिक्चर्स को कैसे मर्ज उसके अंदर लगाना है, चीजों का आपको काफी हद तक अंदाजा हो चुका होगा। डिजाइन तो जैसे आपने बनाया, मैं आपको चेंजिंग बता रहा हूँ, मैं नहीं बताया आपने ये क्यों अभी क्यों, लेकिन आपको सिर्फ सेटिंग बता रहा हूँ। जिस तरह आपने सूप की फोटो लगाई है, अगर आप सूप की फोटो को थोड़ा सा छोटा करते ना, साइड से किनारे नजर आते तो ज्यादा अच्छी लग रही थी, और इनको आप शेडो लगा देते बाकी डिजाइन। आप एक मिनट के लिए देखें, ये आरिफ नजमी वो आए नहीं आप? हाँ जी, ये आपका कुछ हद तक बेहतर लग रहा है, कुछ हद तक बेहतर लग रहा है। बाकी विजिट ओवर वेबसाइट को इतना बड़ा कर दिया और वेबसाइट को छोटा कर दिया, मतलब लोगों को बता रहे हैं हम विजिट करो इस पे, किस पे वो छोटा है यार, ये तो ना किया करो। ये किसने बनाया था? आपने अच्छा बना हुआ है, जबरदस्त है, चीजों की पिक्चर्स लगी हुई हैं, कलर कॉम्बिनेशन पे आपने काम किया हुआ है, डिस्काउंट आपका बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है, फाउंड आपने बड़ा प्यारा लगाया हुआ है, तो बाकी बेहतरीन है। अगर आप इसको ब्लैक की जगह व्हाइट कर दे तो ज्यादा अच्छा लगना था। और ये जो एड्रेस आपने ये जो लिखा हुआ है ना, इस एड्रेस को आपने जो टाइम न्यू रोमन का सिंपली फाउंड लगा दिया है, ये बिल्कुल भी नहीं लगा है, तो अच्छा सा फाउंड दूसरा लगा है, बेशक इसे बोल्ड करके लगा दें, इसे छोटा करके जो आपने चीजें लिखी ये भी उनकी है, इनको भी आपने करना है। खास करो इतना हिस्सा ना, आधे हिस्से भी इधर एड्रेस लिखते हैं, आधे हिस्से भी ये दोनों चीजें प्रोमिनेंट करते हैं। हमेशा जब भी आपके पास कोई ब्रांड आता है ना, ने भी ये बड़ी एक जो गलती है वो की हुई थी, वो भी मैं बता दूंगा इनको, मतलब किस तरह देखें आपका जो ब्रांड है ना, कुछ गलती इस तरह आपने नतीजा किया हुआ है,
वैसे लिख पता लग रहा लैपटॉप पूछा पूछा था पूछा पूछ के ना जाके आप ओपन करते हैं कॉल कर लो उन्हें पूछो नंबर याद है नहीं यार पूछ लेना था यार अभी छोटे मियाँ बढ़ा दो आपका करो छोटे ना रहो यूज करके देखें बैकग्राउंड रिमूवर अगर आपका नेट चल रहा है कुछ पिक्चर कोई भी है ताकि आपको वो डाउनलोड करना आ सके Pinterest को विजिट लाजमी किया करें Pinterest अच्छा बहुत ज्यादा फ्री पिक को लिख लिए इसे भी आपके बड़े काम आती है फ्री चीजें इस पे आपको मिलती हैं बॉयज में से एक मैंने ही बनाया अभी ने और